तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास, जिसके पास दो सुपर स्ट्रांग ब्रांड है। पहला है जो कि इनर वियर में बिल्कुल प्रीमियम ब्रांड है, और दूसरा है स्पीडो। स्पीडो के अंदर कंपनी स्विमवेयर और स्विमवेयर की एक्सेसरीज बनाती है। और आज की इस वीडियो में उस कंपनी का पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज ए इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, और साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, कंपनी के पास में दो मेन ब्रांड हैं, स्पीडो और जॉकी। तो पहले बात करते हैं जॉकी की। तो जॉकी की अगर हम बात करें तो जॉकी के इनर वियर पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। इस कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांड है और पूरे वर्ल्ड में 120 से भी ज़्यादा कंट्रीज में इस ब्रांड को बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया है और काफ़ी फेमस भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें पेज इंडस्ट्रीज की, तो इंडिया में पेज इंडस्ट्री के पास में जॉकी इंटरनेशनल यूएसए का एक्सक्लूसिव लाइसेंस है इस कंपनी के ब्रांड को यूज़ करके, इसके प्रोडक्ट बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मार्केटिंग के लिए सारे के सारे जो राइट्स हैं वो पेज इंडस्ट्री लिमिटेड के पास में है। यानी कि इनकी इस ब्रांड के लिए बिल्कुल मोनोपोली है। और खाली इंडिया के लिए ही नहीं, इनके पास इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, ओमान और कतर, इन सारी कंट्रीज़ के लिए भी इसी कंपनी के पास में सोल राइट्स हैं। यानी कि इस किसी भी कंट्री में अगर कोई भी प्रोडक्ट कोई बंदा खरीदता है तो वो पेज इंडस्ट्रीज के थ्रू ही उसको मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, ब्रांड तो ठीक है लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट खुद भी यूज़ किए होंगे या किसी सुना होगा, तो जॉकी के जो भी इनर वियर्स आते हैं उनका कंफर्ट और उनकी क्वालिटी बिल्कुल एक्सीलेंट है, इसीलिए इस ब्रांड को इतना फेमस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके अलावा जो दूसरा कंपनी के पास ब्रांड है स्पीडो, वो भी कंपनी के पास में 2011 से है और इसकी भी इनके पास में एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मार्केटिंग के लिए। लेकिन ये वाला जो ब्रांड है इसमें सिर्फ ये इंडिया में ही काम करते हैं और कहीं इसके अंदर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन या इनकी सेल्स वगैरह नहीं है। और दोस्तों अब बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जॉकी इंटरनेशनल की रिलेशनशिप या पार्टनरशिप के बारे में। तो जॉकी इंटरनेशनल और पेज इंडस्ट्री 1995 यानी कि पिछले 27 सालों से काम कर रहे हैं, और 1995 से ही पेज इंडस्ट्री के पास में एक्सक्लूसिव लाइसेंस है जॉकी के ब्रांड्स के लिए। उसके अलावा 2011 में इस कंपनी का लाइसेंस जो है वो 2030 तक के लिए जॉकी इंटरनेशनल ने एक्सटेंड किया था, प्लस 2011 में ही इस पेज इंडस्ट्रीज को जॉकी इंटरनेशनल ने यूएई की टेरिटरी भी दी थी और यूएई के भी सोल राइट्स इनके पास आ गए थे। उसके अलावा अब 2018 में कंपनी का जो लाइसेंस है वो 2040 तक एक्सटेंड कर दिया जॉकी इंटरनेशनल ने। फिर 2019 में जब दोनों कंपनियों की पार्टनरशिप 25 साल की हुई थी तो कंपनी ने जॉकी इंडिया को अवार्ड दिया था कि ये हमारी बिगेस्ट और बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच है। जॉकी इंटरनेशनल लिमिटेड ने पेज इंडस्ट्री लिमिटेड को ये अवार्ड दिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, कंपनी की रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। और अब बात करते हैं कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में, क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा ही पेज इंडस्ट्री के साथ भी है। इनकी पूरी पैन इंडिया प्रेफरेंस, पूरी पैन इंडिया प्रेजेंस है। उसके अलावा कंपनी के पास में 94,000 प्लस रिटेल आउटलेट्स हैं, 1,000 ज़्यादा कंपनी के पास में एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, यानी कि जहाँ पे सिर्फ जॉकी के ही शोरूम अलग से बना रखे हैं कंपनी ने वो। उसके अलावा 2580 से ज़्यादा लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स पे कंपनी का सामान मिलता है, जैसे कि मैक्स हो गया, लाइफस्टाइल है, पैंटलून है, शॉपर स्टॉप्स है, इस तरह के सारे ही जो लार्ज फॉर्मेट के हमारे स्टोर्स हैं वहाँ पे भी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। प्लस कंपनी ऑनलाइन और ई कॉमर्स के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है, अपनी वेबसाइट भी है कंपनी की। उसके अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस तरह की सारी वेबसाइट्स में कंपनी के साथ में टाइप है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के फ्यूचर की, तो जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन अवेलेबल है, और आज के टाइम में यंगस्टर ब्रांड्स को यूज करना काफ़ी प्रेफर करते हैं, और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम भी लोगों की बढ़ रही है, तो इसलिए ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड यूज़ करना लोगों ने काफ़ी अच्छे से शुरू कर दिया है। इस वजह से इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हमेशा ही डिमांड में रहने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। हाँ, अब हम बात करें कंपनी के रिस्क की, तो रिस्क मेनली क्या है, देखो कंपटीशन का रिस्क तो सबके साथ ही होता है कि कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए या कोई नया ब्रांड आ जाए, वो हो गया। प्लस साथ में पेज इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो ये है कि कंपनी का अपना कोई ब्रांड नहीं है। जब तक कंपनी की लाइसेंसिंग आगे आगे चलती रहेगी तब तक इसके प्रोडक्ट्स इसके ब्रांड के साथ में रहेगा और ये अपना माल बेच पाएंगे। लेकिन अगर कभी जॉकी इंटरनेशनल के साथ में इसकी कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर अपना कंपनी के पास में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो ये सेल कर सके, तो ये एक इसके अंदर थ्रेट है।
तो अभी तक हम अगर ओवरऑल बात करें, जो हमने प्रोडक्ट की, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी की बात करी, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं और आने वाले टाइम में भी हमेशा इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, क्योंकि हम तो इन्वेस्टर हैं, हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हमें कंपनी को अच्छे से जज करना है, कंपनी के प्रॉफिट्स और बाकी के फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें, तो फाइनेंशियल्स के लिए हम हमेशा कंपनी का पिछले 5 साल का डेटा चेक करते हैं और फिर देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कंपनी के रिवेन्यू की, तो 2017 से लेकर 2021 तक लगातार हर साल कंपनी के रिवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। 2017 में जो कंपनी का रिवेन्यू था वो था 2106 करोड़ रुपए, जो कि 2020 में बढ़ के हो गया 2900 करोड़ रुपीज़। उसके बाद में 2021 में थोड़ा सा कम हो गया, ये हो गया 2770 करोड़ रुपए। थोड़ा बहुत अप डाउन तो सभी कंपनी में चलता रहता है, लेकिन फिर भी हम देखें तो अच्छे रिवेन्यूज कंपनी के पास में हैं। उसके अलावा अगले हम हमारा पैरामीटर उसकी बात करें तो वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और इस कंपनी के पास में एक्सीलेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, 50% प्लस का मार्जिन है, यानी कि जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके हिसाब से कंपनी के पास में 50% ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की सोर्सिंग काफ़ी अच्छी है, कंपनी सस्ता माल खरीदती है, कंपनी अपनी लेबर कॉस्ट को कम रखती है, इसी वजह से इतनी एफिशिएंट कंपनी ये है। इसके बाद में अगला पैरामीटर जिसमें कंपनी को जज करते हैं वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि ठीक है कंपनी ने सस्ता माल तो बना लिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग के लिए कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ रहा है, कहीं उसमें तो ज़्यादा कॉस्ट कंपनी नहीं जा रही, तो वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे 17% 18% का अच्छा मार्जिन कंपनी के पास अवेलेबल है, क्योंकि आप जानते हो कि इस तरह के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कंपनी को हर चैनल पे अपना प्रमोशन करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट चलते हैं, सब चलती हैं, लेकिन फिर भी हम देखें तो कंपनी 17-18% का अच्छा मार्जिन मेंटेन कर रही है, और वो भी पिछले लगातार 5 सालों से। फिर हम बात करते हैं अगले पैरामीटर की, वो है फ्री कैश फ्लो। मैं नेट प्रॉफिट की जगह फ्री कैश फ्लो देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि फ्री कैश फ्लो से हमें एक्चुअल पिक्चर पता लगती है। नेट प्रॉफिट में कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट तो कंपनी ने बुक कर लिया, लेकिन कई बार वो रिसीव नहीं होता, बैड डेट्स हो जाते हैं, या फिर कुछ कंपनियों को अपना पैसा वापस से कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाना पड़ता है, तो वो पैसा कंपनी के पास में नहीं रहता। लेकिन पेज इंडस्ट्री के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 2017 में कंपनी के पास 211 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो था, जो कि 2021 में बढ़कर 680 करोड़ रुपए का हो गया, और लगातार हर साल ये इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वो पैसा है जो कंपनी के ओनर्स का है या कंपनी के इन्वेस्टर्स का है। इस पैसे के थ्रू कंपनी अच्छे से डिविडेंड भी पे कर सकती है, या कल को किसी और कंपनी को वो एक्वायर करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, वो भी सारी चीज़ें कर सकती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा साइन है। उसके अलावा नेक्स्ट पैरामीटर, इसके ऊपर मैं आपको कहूँगा आपको हमेशा जोर देना चाहिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल क्रूशियल हमारा रेशियो है। इसको हम बोलते हैं डेट बाय इक्विटी रेशियो, मतलब कि कंपनी ने जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगा रखा है उसमें से कंपनी कितना डेट है और कितना इक्विटी है, यानी कि इन्वेस्टर का पैसा कितना है और कंपनी लोन कितना लिया है। क्योंकि जब कंपनी ज़्यादा लोन लेके बिजनेस करती हैं तो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, और अगर कभी उनका बिजनेस डाउन होता है और इंटरेस्ट पेमेंट में दिक्कत आती है तो कंपनी कई बार कोलैप्स हो जाती है, और बड़ी बड़ी कंपनी साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन पेज इंडस्ट्री केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम डेट बाय इक्विटी रेशियो देखते हैं तो ये बिल्कुल जीरो है। अगला पैरामीटर है जिसपे हम कंपनी को जज करते हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि ठीक है कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो तो ठीक है, बट कंपनी के साथ जो इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करें, जैसे आज हम कंपनी पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कंपनी उनको कितना रिटर्न दे रही है। तो लास्ट ईयर की जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 40%, जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सीलेंट है। अगर 15% से ज़्यादा किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है, और इस कंपनी का पेज इंडस्ट्री का 40% का है लास्ट ईयर का, और सिर्फ लास्ट ईयर का नहीं है, पिछले 5 सालों का भी अगर हम कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 44% का एवरेज है। इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को देती है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो कंपनी प्रोडक्ट वाइज भी अच्छी है, कंपनी का पूरी तरह से मोनोपोली है, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, तो ओवरऑल हम कंपनी में बिल्कुल कह सकते हैं कि कंपनी में बिल्कुल हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि किस वैल्यूएशन पे, कि कंपनी का प्राइस का क्या चल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स देखते हैं तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कंपनी का आज की डेट में है 110, जो कि वाकई काफ़ी हाई है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी की अर्निंग उतनी नहीं है जितना कंपनी का शेयर प्राइस है, वो एक थोड़ा कंसर्न है। उसके बाद में अगर हम दूसरे रेशियो से भी कंपनी को चेक करते हैं प्राइस बाय बुक वैल्यू से, तो वो भी 48.3 है, उसके हिसाब से भी कंपनी महंगी है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमें पता है कंपनी अच्छी है, इसके अलावा पूरी मार्केट को पता है कि कंपनी अच्छी है, इसीलिए कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन आखिर में मिल रही है। उसके कई सारे रीज़न है, एक तो ये कि कंपनी अच्छी है, दूसरा मार्केट भी अच्छा चल रहा है, अप ट्रेंड में है, तो इसलिए भी सारी कंपनी के प्राइस बढ़े हैं,
और इस कंपनी की अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो करंट शेयर प्राइस है वो है 42,600। और मेरे हिसाब से अगर हमें कंपनी 20,000 के आसपास मिलती है तो हम कंपनी को एक फेयर वैल्यू पे खरीद सकते हैं। तो अगर आप वैल्यूएशन की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 20% जो 20,000 में आपको बोल रहा हूँ प्राइस वो जस्टिफाइबल है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं कंपनी बहुत अच्छी है आगे और ज़्यादा बढ़ने वाली, तो वैल्यूएशन के लिए आप अपने आप भी एक बार कंसर्न कर सकते हैं कंपनी को किस वैल्यूएशन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरे डिटेल्स कंपनी की दे दी हैं, कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एक्सीलेंट है, बहुत सारी टेरिटरीज में कंपनी को उसमें एक्सक्लूसिव लाइसेंस है, तो इसलिए इन्वेस्ट करना तो बनता है। लेकिन प्राइस हमें हमेशा चेक करना चाहिए क्योंकि हम सस्ता लेंगे तभी हमें फ़ायदा होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।